नमस्कार, आईटी टी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म की खबर में आपका स्वागत। हमारे साथ हैं अलका लांबा। किसी परिचय के मोहताज नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उन्होंने करियर की शुरुआत की और फिर कांग्रेस से वाया आप होते हुए कांग्रेस। अलका जी, आपने लगभग कह सकते हैं कि आप दोनों दौर की राजनीति एक जिसमें और अब जो बदली पाने की राजनीति, बहुत बड़ा बदलाव है। तीन दशक आपने सही कहा, पूरे किए हैं और राजनीति में अटल जी की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार, पीएम मनमोहन जी की सरकार और अमोलाल जी की सरकार को देख रहे हैं। बहुत गिरा होता है, खासतौर से मैं शब्दों में कहूँगी, गरिमा ताल-ताल रही है। अटल जी के समय पर, मनमोहन सिंह जी के समय पर जब होता था तो उनके आप भाषण सुनो, अपने लोगों को खुद वोट के खड़े होकर कहते थे, अटल जी को बहुत बार और जब बारी आती थी मनमोहन सिंह जी की तो सुषमा जी के साथ उनका तकरार जो है बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से होता था, सुनने लायक बिल्कुल। और आज कहां पहुंच चुके हैं, एक महीना हो गया है संसद का सत्र जो सत्ता में है, जिसको लोगों ने देश सौंपा है, जिसके हाथ में संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसके हाथ में जांच करवाना है और वो सबसे पहला है। विपक्ष तो मांग कर सकता हूँ, लगातार मांग ही है, उसको मानना ना मानना, अपराधियों को बचाना, सत्ता और तानाशाह के दम पर भी तो सत्ता क्या नहीं होगी। मुझे लगता है चर्चा का अंत ही नहीं था। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी आज कहते हैं कांग्रेस सुपारी दी है, सुपारी शब्द गैंगस्टर अपराधियों के होते हैं, देश के प्रधानमंत्री सोच वोट पत्रिकाएं सुपारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नीचे आकर उम्मीद छोड़ दीजिए, आदर्श कहाँ से होगा, गंगा तो ऊपर से नीचे बहेगी ना, नीचे से ऊपर गंगा नहीं बहती है। सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा ये होगी तो फिर आप नीचे पर कोई उम्मीद मत करते, ये हमारा दुर्भाग्य। इसे कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में और अपने हिसाब से काम भी किए, हर पार्टी सत्ता में आती है काम करती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि जो मौजूदा दौर की राजनीति है इसमें सिर्फ किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, रिस्पांसिबिलिटी तो सबको ओन करनी है। हम कब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? विपक्ष में हमारा धर्म बनता है कि देश में अगर महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, घोटाले बढ़ रहे हैं, उन्हें बचाया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, उन्हें बेल पे पैरोल पे बाहर लाकर प्रचार कराया जा रहा है, बिल्कुल विपक्ष का धर्म है कि देश का किसान दहेज कर आ गया है, युवा बेरोजगार आ गया है, उनकी आवाज बने, बिल्कुल हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आपने सही कहा और यही आईना दिखाने का काम विपक्ष सत्ता को कर रहा है कि अब आप अपना राजधर्म निभाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति, छोटे समय के लिए आपने आपकी राजनीति, दोनों में क्या अंतर? बहुत अंतर है। आम आदमी पार्टी एक छलावा मैं कह सकती हूँ, जिसके धोखे में मेरी पूरी दिल्ली आई, मैं भी आई और देश भी आया, लेकिन जो सिद्धांत थे, जो उनका संविधान था, उन सबको तार तार होते हुए 5 साल विधायक रहे। अरविंद केजरीवाल जी के बहुत करीबी से उनके कामों को देखा, उनके व्यवहार को देखा, एक एक करके जो भी फाउंडर मेंबर थे सब छोड़कर चले गए, क्योंकि ये पार्टी अब सिर्फ सत्ता लालची हो गई, सिर्फ सत्ता हासिल कर रही है और अब कोई उसूल नहीं रहे इस पार्टी के अंदर। भ्रष्टाचार की अगर बात करेंगे, आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, दो बड़े चेहरे फाउंडर मेंबर रमेश सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जेल की सलाखों के पीछे है। अब आरोप क्या है, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, आरोप बहुत गंभीर है कि शराब माफियाओं को कैसे करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाकर सरकार के जाने की कोशिश करते हैं, जुर्मा लगाया जिस तरीके से हवाला के पैसों से फर्जी कंपनियों में उन्हें सत्येंद्र जैन अंदर है, लेकिन वो पदों से हटाए नहीं जाते और अरविंद केजरीवाल आज भी उन्हें भगत सिंह या रतन मुखर्जी देने की मांग कर रहे हैं। इसलिए छोटा, जब आप बहुत बड़े बदलाव का धोखा देकर आते हैं और आप खुद सत्ता के लालची होते हैं, अपने हर सिद्धांत से कहा गया था कि कन्वीनर जो है वो 1 साल के लिए रहेगा,
और 10 साल से एक ही अध्यक्ष एक ही कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। चुनाव होगा लोकतांत्रिक रूप से, चुनाव आम आदमी पार्टी में नहीं होता है। उसके बाद एक पद एक व्यक्ति एक पद होगा, वही कन्वीनर है, वही मुख्यमंत्री भी है ना। अब ये भी कहा था परिवारवाद नहीं होगा। आज चांदनी चौक के विधायक का बेटा पार्षद है, अटला महल के विधायक का बेटा पार्षद है। आज कितने विधायक है कि पति पत्नी भाई भतीजा वाद पूरी तरह से, और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज प्राइवेट जेट किसके हैं जिसपे वो घूमते हैं, आज असम में है, कब किसके हैं, पारदर्शिता कहाँ है। अच्छा सिद्धांत, इन राजनीति में क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ा, आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी तो हुआ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नजदीक आती किसी दिखी। मैं आपको फिर कह रही हूँ, जब देश की सरहदों पर दुश्मनों से चुनौती मिलेगी, मैं आपको कह रही हूँ कांग्रेस देश की सरकार, चाहे वो भाजपा की संघ की मैं मान खड़े दिखे, क्योंकि देश की सरहदों पर दुश्मनों से चुनौती आएगी, भाजपा के साथ सरकार की सरकार के साथ खड़े दिखे। इसी तरह जब देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या होगी, देश के संविधान को खतरा आएगा, हम अपनी सारी लड़ाइयों को भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, पीछे रख देंगे देश का संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। मुझे खुशी है कि देश का संविधान लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आज 16 विपक्षी दल जो राज्य में एक दूसरे के सामने हो सकता है, लेफ्ट केरला के सामने, केरला में लेफ्ट के सामने, इसी तरह दूसरे राज्यों का, लेकिन जहाँ देश के लोकतंत्र संविधान की बात आएगी हमें दिखे। कांग्रेस और आप एक साथ मैं नहीं कह रही हूँ, देश के लिए भाजपा के सरकार के साथ सरकार। अब अगर हम यहाँ दिखेगा संविधान लोकतंत्र की हम सब एक है, हम एक रहेंगे, हम किसी कीमत पर, किसी कीमत पार्टी को चुकानी पड़ सकती है, चुकाएगी, हमारा नेता चुका है राहुल गांधी उसकी कीमत, क्योंकि वो अडानी के महाघोटाले पर अड़ गए हैं। जेपीसी की जांच हो जिसपे सरकार नहीं करा रही, वो देश के संविधान संवैधानिक संस्थाओं की हत्या को लोकतंत्र बचाने को अडिग है, हमला हो रहा है, निजी हमले हमारे पर हो रहे हैं, राहुल गांधी जी की सदस्यता जाती है, राहुल गांधी जी को जेल भेजने की कोशिश है, राहुल जी का सरकारी आवास उनसे सोचने खाली करा के सड़क पर भेजिए, सड़क पर एक बार 45 घंटे ईडी ने बुलाया था 5 महीने की भारत में यात्रा करके आए, अभी घर से सड़क पर लाएंगे तो एक और यात्रा करेंगे। और देश में जो धार्मिक जाति है, जो उन्माद पैदा किया जा रहा है, राहुल गांधी जी का वही था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे। चलिए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, लेकिन एक बात बताते रहिए, क्या कांग्रेस इसे अवसर के रूप में देख रही है? राहुल गांधी जी की सदस्यता गई, सजा हुई, तो उसके अगेंस्ट अपील में अभी तक नहीं। आपको किसने कहा हम अपील में नहीं गई है? अभी तैयारी हो रही है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, 30 दिन का समय सूरत की जो हमारी निचली अदालत ने दिया था, 30 दिन का तो बहुत समय, लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, श्री राहुल गांधी जी इस समय सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। उनकी जो अगली लड़ाई है उसे अपने वकीलों से अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया कि उनकी सदस्यता जाने से, उनके जेल जाने से, उनका बंगला छीनने से लोकतंत्र के लिए उनकी आवाज दबी की नहीं, उसके लिए कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता जमीन पर पूरी तरह तैयार है। हिमाचल में आपने देखा, अब कर्नाटका में आप देखिएगा, भाजपा की डबल इंजन की सरकार ऊंधे मुंह आकर गिराने का काम कांग्रेस। चलिए, ये थे अलका जी। जी का मानना है कि कर्नाटक के चुनाव में हम बताएंगे भाजपा को, जो डबल इंजन सरकार को लेकर दावा करती है, और राहुल गांधी का जो इस्तीफा है उसमें हर तरीके से लड़ाई लड़ती है। थैंक यू।